नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 जारी, सिंगापुर को मिली पहली रैंक। भारत 10 स्थान फिसल कर पहुंचा 68वें पायदान। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का भारत दौरा, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। बांग्लादेश में कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम लगाएगा भारत। प्रकाश वेब पोर्टल हुआ लॉन्च, कोयले की सप्लाई चेन की होगी बेहतर निगरानी, कई विभागों के बीच हो सकेगा तालमेल। बाजार में आएंगे ग्रीन क्रैकर्स, आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण में आएगी कमी, दिवाली पर हो सकेगी इको फ्रेंडली आतिशबाजी। और विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कारों का हुआ ऐलान, यूरोपीय और अमेरिकी वैज्ञानिकों का दबदबा बरकरार, पीटर हैंडके को मिलेगा साहित्य का नोबेल। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 जारी हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा जारी इस इंडेक्स में भारत 10 पायदान नीचे खिसक कर 68वें स्थान पर आ गया है, जबकि 2018 में यह 58वें स्थान पर था। इसके साथ ही भारत इस साल ब्राजील के साथ ब्रिक्स देशों में सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से रहा। अन्य अर्थव्यवस्थाओं में सुधार इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है। रैंकिंग में भारत के बाद श्रीलंका 84वें, बांग्लादेश 105वें, नेपाल 108वें और पाकिस्तान 110वें स्थान पर रहा। हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत को कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में 15वें, शेयर होल्डर गवर्नेंस में दूसरे और मार्केट साइज में तीसरे नंबर पर रखा है। नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में भी भारत को तीसरा स्थान मिला है, लेकिन जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत अब भी निचले पायदान वाले देशों में से एक है और इसे 141 देशों में से 190 स्थान पर रखा गया है। इंडेक्स के मुताबिक भारत में पुरुष कामगारों के मुकाबले महिला कामगारों का अनुपात 0.26 है और इस मामले में भारत का स्थान 128वां है। वहीं इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान हासिल करके दुनिया की सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि अमेरिका एक स्थान नीचे लुढ़क कर दूसरे स्थान पर आ गया है। इंडेक्स में हांगकांग तीसरे, नीदरलैंड चौथे और स्विट्जरलैंड पांचवें स्थान पर काबिज है। इंडेक्स को क्षेत्रीय आधार पर देखें तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी क्षेत्र रहा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पहली बार 1979 में लॉन्च किया गया था। इसे 141 अर्थव्यवस्थाओं में से 12 पिलर्स में बटे 103 संकेतकों के आधार पर जारी किया गया। हाल ही में आयकर विभाग ने नेशनल ई असेसमेंट स्कीम की शुरुआत की है। यह फेसलेस और नेमलेस टैक्स असेसमेंट करने की केंद्र सरकार की योजना है। इसमें करदाता और विभाग के बीच कोई मानवीय इंटरफेस शामिल नहीं है। इसका मकसद पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए आयकर रिटर्न मूल्यांकन की सुविधा देना है। नए सिस्टम के तहत करदाताओं को आयकर विभाग के वेब पोर्टल पर रजिस्टर्ड खाते के साथ साथ ईमेल पर नोटिस मिलेंगे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए रियल टाइम अलर्ट मिल सकेंगे। विभाग के साथ सभी तरह के संवाद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी DIN के माध्यम से पोर्टल पर खोजे जा सकेंगे। नई योजना के कामकाज को देखने के लिए नेशनल ई असेसमेंट सेंटर यानी NEAC की स्थापना की गई है। NEAC देश भर में करदाताओं को अधिकारियों के दखल के बिना ई असेसमेंट में मदद करेगा। टैक्स असेसमेंट की सभी प्रक्रियाएं NEAC के जरिए की जा सकेंगी। NEAC दिल्ली में होगा और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अध्यक्षता में काम करेगा। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में NEAC के 8 रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स यानी REAC काम करेंगे। नई योजना के तहत जांच के लिए 58,322 मामलों का चयन किया गया है और वर्ष 2018-19 के मामलों के लिए 30 सितंबर से पहले ई नोटिस दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि नेशनल ई असेसमेंट स्कीम की घोषणा इसी साल के बजट में की गई थी और सितंबर में इसे अधिसूचित किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि नई पहल से कर आकलन प्रक्रिया में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता आएगी। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नवाचार के क्षेत्र में नया कार्यक्रम प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का नाम ध्रुव तारे के नाम पर रखा गया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों को अपनी नवोन्मेष क्षमता से अवगत कराना है। इस प्रोग्राम की शुरुआत बच्चों को अपने कौशल और ज्ञान में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है।
इसके तहत देश भर से 60 प्रतिभावान बच्चों को चुना जाएगा, जिन्हें बाद में उत्कृष्टता केंद्रों पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा परामर्श के लिए भेजा जाएगा। विज्ञान और कला दोनों क्षेत्रों से 30-30 बच्चों को चुना जाएगा। चुने हुए बच्चों को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम के पहले चरण में 60 बेहद प्रतिभावान बच्चों को चुना जा चुका है। यह प्रोग्राम बच्चों में नवाचार क्षमता के विकास का लक्ष्य रखता है, लिहाजा भारत को एक नवाचार स्थल और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा। सरकार देश में नवाचार कौशल और अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए पहले से ही स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम जैसी मुख्य योजनाओं का संचालन कर रही है। इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम का दूसरा संस्करण यानी IIGP 2.0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, टाटा ट्रस्ट और लॉकहीड मार्टिन के बीच एक त्रिपक्षीय पहल है। यह पहल सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया का समर्थन करती है। इसके लिए यह पहल स्टेज ऑफ आइडिएशन एंड इनोवेशन के जरिए अन्वेषकों और उद्यमियों को सक्षम बनाकर भारतीय नवाचार पारितंत्र का संवर्धन करने का लक्ष्य रखती है। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत का दौरा किया। इस दौरे पर उन्होंने नई दिल्ली में संपन्न हुई भारत बांग्लादेश बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम यानी CSRS पर MOU सहित 7 समझौते हुए। CSRS पर MOU के मुताबिक भारत बांग्लादेश में एक CSRS स्थापित करेगा। CSRS दोनों देशों के बीच भविष्य में व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट के लिए रास्ता खोलेगा। भारत इससे पहले मॉरिशस, सेशल्स, मालदीव को यह सुविधा दे चुका है। इसके अलावा दोनों देशों के नेताओं ने 3 द्विपक्षीय विकास साझेदारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें बांग्लादेश से थोक में LPG का आयात मुख्य रूप से शामिल है। दोनों देशों के बीच हुई भारत बांग्लादेश बिजनेस फोरम बैठक का मकसद परस्पर व्यापार एवं निवेश में इजाफा और उद्योगों को आकर्षित करना था। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 2 गवर्नमेंट टू बिजनेस MOU पर भी हस्ताक्षर हुए। आपको बता दें कि बांग्लादेश दक्षिण एशियाई देशों में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट यानी आप्टा, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी साप्टा और एग्रीमेंट ऑन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया यानी साफ्टा जैसे क्षेत्रीय व्यापारिक समझौतों के सदस्य हैं। साफ्टा के अंतर्गत भारत ने बांग्लादेश को अल्कोहल और तंबाकू को छोड़कर सभी वस्तुओं पर शुल्क मुक्त कोटा प्रदान किया है। दोनों देशों के बीच सीमाई क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए त्रिपुरा और मेघालय में 2-2 बॉर्डर हाट स्थापित किए गए हैं। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिहाज से भारत बांग्लादेश को अगरतला अखौरा रेल लिंक, इनलैंड वाटरवेज की ड्रेजिंग और भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जैसी अवसंरचनाओं के विकास के लिए सहायता दे रहा है। लिहाजा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों व क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। सरकार ने प्रकाश यानी प्रकाश वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हार्मनी है। इस पोर्टल का लक्ष्य ऊर्जा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और ऊर्जा उपक्रमों के बीच कोयले की आपूर्ति के लिए बेहतर तालमेल स्थापित करना है। यह तापीय ऊर्जा संयंत्रों पर कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पोर्टल को ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोयले की सप्लाई चेन की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। फिलहाल कोयले की सप्लाई चेन की निगरानी एक अंतर मंत्रालयी समूह करता है। इसमें ऊर्जा, कोयला और रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी CEA, ऊर्जा उपक्रमों और कोयला कंपनियों के अधिकारी शामिल होते हैं। वहीं प्रकाश सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जिस पर कोयला कंपनियों, भारतीय रेलवे, ऊर्जा स्टेशनों, ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय के लिए जानकारी मौजूद होगी। आपको बता दें कि प्रकाश पोर्टल को NTPC, CEA, केंद्रीय रेलवे सूचना प्रणाली और कोयला कंपनियों द्वारा विकसित किया गया है। NTPC 1975 में स्थापित देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है। वहीं CEA विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक पूर्णकालिक निकाय है जिसकी स्थापना मूल रूप से विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। हालांकि इस कानून को बाद में समाप्त कर दिया गया, लिहाजा CEA को विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दोबारा स्थापित किया गया। CEA शुरुआत में 1951 में स्थापित एक अंशकालिक निकाय था, लेकिन 1975 में
इसे एक पूर्णकालिक निकाय के रूप में पुनर्स्थापित किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इनकॉर्पोरेटेड क्लब्स को टैक्स में राहत दी है। अब इनकॉर्पोरेटेड क्लब्स द्वारा अपने स्थायी सदस्यों को खाद्य और पेय पदार्थों की सप्लाई करने के लिए बिक्री या सेवा कर नहीं देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इन पदार्थों की सप्लाई पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हस्तांतरण के बाद वे तत्व अस्तित्व में नहीं रहते। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी यानी परस्परता के सिद्धांत का जिक्र किया। आपको बता दें कि परस्परता के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट द्वारा यंग मैंस इंडियन एसोसिएशन केस में स्थापित किया गया था। इस सिद्धांत के मुताबिक एक व्यक्ति खुद से लाभ नहीं कमा सकता और स्वयं से प्राप्त हुई राशि को आय या कर योग्य आय नहीं माना जा सकता। दरअसल आयकर अधिनियम की धारा 224 के अंतर्गत कर योग्य आय को परिभाषित किया गया है, जबकि किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को व्यापार से होने वाली आय को धारा 224 के उपखंड 7 के अंतर्गत कर योग्य आय माना गया है और इसे परस्परता के सिद्धांत से बाहर रखा गया है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 366(29)(a) में वस्तुओं की बिक्री पर टैक्सेशन का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के उपखंड ई और एफ के अंतर्गत किसी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्संस द्वारा खाद्य या पेय पदार्थों की आपूर्ति या सेवा को कर योग्य माना गया है। अनुच्छेद 366(29)(a) को संविधान में 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजातों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक नई योजना लॉन्च की है। प्रधानमंत्री अस्योर्ड एंड सेफ मदरहुड इनिशिएटिव यानी PMASMI नाम की इस योजना का लक्ष्य मातृत्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर को निम्न स्तर पर लाना है। सरकार मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी अन्य योजनाओं को PMASMI में शामिल करने की योजना बना रही है। सतत विकास लक्ष्य 3 के तहत 2030 तक प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृत्व मृत्यु दर को 70 से कम करने के लक्ष्य को पाने के लिहाज से यह योजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वर्तमान में सरकार मातृत्व और नवजात सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी JSSK, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA और लक्ष्य योजनाएं संचालित कर रही है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की वजह से भारत में मातृत्व मृत्यु दर 2004-06 में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 254 से गिरकर 2014-16 में 130 हो गई है। वहीं अगर नवजात मृत्यु दर की बात करें तो 2001 से 2016 की अवधि में यह प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 66 से गिरकर 34 हो गई है। JSSK की शुरुआत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसव दवाओं, भोज्य पदार्थों, डायग्नोस्टिक आदि की सुविधा प्रदान करने के लिए जून 2011 में हुई थी। PMSMA का लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह के 90 दिन मुफ्त, समग्र और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखरेख प्रदान करना है। यह योजना प्रत्येक गर्भवती महिला को दूसरी या तीसरी तिमाही में न्यूनतम प्रसव पूर्व पैकेज की गारंटी देती है। वहीं लक्ष्य यानी लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव का उद्देश्य प्रसव कक्ष में सुविधाओं में सुधार करना है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मछुआरों की मदद के लिए सैटेलाइट बेस्ड एडवाइजरी सर्विस जेमिनी लॉन्च की है। यह सेवा मछुआरों को चक्रवाती तूफान, ऊंची लहरों, सुनामी और अन्य आपात स्थिति की जानकारी देने में मदद करेगी। जेमिनी का पूरा नाम गगन इनेबल्ड मैरिनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इन्फॉर्मेशन है। इसमें विशेष रूप से डिजाइन किया गया एक पोर्टेबल डिवाइस और मोबाइल ऐप शामिल है। यह सिस्टम गगन यानी GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन उपग्रहों से डेटा प्राप्त करता है और इसे ब्लूटूथ संचार के जरिए उपयोगकर्ता के सेलफोन पर भेजता है। सेलफोन पर जेमिनी ऐप जेमिनी डिवाइस से प्राप्त संकेतों को डिकोड करता है और उपयोगकर्ता को संभावित खतरों के लिए अलर्ट करता है। इस्तेमाल की जा रही गगन प्रणाली में 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15 शामिल हैं जो पूरे हिंद महासागर को 2400 घंटे कवर करते हैं। मछुआरे अक्सर समुद्र में 50 नॉटिकल माइल से आगे डीप फिशिंग क्षेत्र और कभी कभी 300 नॉटिकल माइल तक चले जाते हैं। इसके चलते वे मोबाइल रेंज से दूर हो जाते हैं और उनके पास भेजे जाने वाले मोबाइल अलर्ट नहीं पहुँच पाते। नई तकनीक के जरिए अब समुद्र में मोबाइल रेंज से बाहर जाने पर भी मछुआरों को अलर्ट भेजा जा सकेगा।
लेकिन इसके लिए मछुआरों को अपने पास स्मार्टफोन रखना होगा। यह तकनीक इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज यानी INCOIS और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से तैयार की गई। इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बेंगलुरु की अकॉर्ड कंपनी ने बनाया है। इस मौके पर INCOIS द्वारा विकसित पोटेंशियल फिशिंग जोन यानी PFZ अर्थात संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र के पूर्वानुमान का उन्नत संस्करण भी लॉन्च किया गया है। यूएस खाद्य एवं औषध प्रशासन यानी USFDA ने रेनिटिडाइन नामक एक दवा पर अध्ययन किया है। अध्ययन के मुताबिक रेनिटिडाइन दवा में छोटे स्तर पर एन नाइट्रोसोडीमिथाइलेमाइन यानी NDMA नामक सब्सटेंस पाए गए हैं। NDMA जल और भोजन में पाया जाने वाला एक पर्यावरणीय संदूषित पदार्थ होता है। इसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा एक कैंसरकारी के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। लिहाजा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने रेनिटिडाइन के संबंध में राज्य विनियामकों को एक पत्र लिखा है। इसमें राज्य विनियामकों को रेनिटिडाइन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी RAPI विनिर्माताओं को निर्देश देने के लिए कहा गया है कि वे मरीजों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम उठाएं और अपने उत्पादों को वेरीफाई कराएं। आपको बता दें कि रेनिटिडाइन एक एंटासिड है जिसे एसिड रिफ्लक्स और पेक्टिक अल्सर जैसी बीमारियों के उपचार में उपयोग किया जाता है। इसे सामान्य तौर पर एसीलॉक, जिनटेक या रेनिटिन के नाम से भी जाना जाता है। DGCI सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO का प्रमुख होता है। CDSCO स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण है। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत CDSCO दवाओं को मंजूरी देने, क्लिनिकल ट्रायल्स के संचालन, दवाओं के लिए मानक तय करने, देश में आयातित दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने और राज्य औषध नियंत्रण संगठनों की गतिविधियों में तालमेल बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाता है। WHO की एक रिपोर्ट में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी CVDs के कारण होने वाली मौतों पर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक CVDs 2020 तक भारत में मौतों और अपंगता का सबसे बड़ा कारण होगा। आंकड़ों के मुताबिक CVDs की वजह से दुनिया भर में हर साल 17.5 मिलियन मौतें होती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि भारत में इनके कारण शेष विश्व के मुकाबले 10 गुना अधिक मौतें होती हैं। भारत में पिछले दो दशकों में CVDs की वजह से मौतों में 34% का इजाफा हुआ है। WHO के मुताबिक इसका मुख्य कारण भारतीयों का जेनेटिक मेकअप और बदलती जीवन शैली है। घटती शारीरिक गतिविधियों, निम्न आहार प्रणाली और चीनी, नमक व ट्रांस फैट्स युक्त भोजन के अत्यधिक उपभोग के कारण लोग CVDs से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। भारत में हर साल लोग CVDs के इलाज के लिए अस्पतालों में बड़ी रकम अदा करते हैं। WHO के मुताबिक CVDs हृदय और रक्त वाहिका संबंधी विकार होती हैं। इनमें मुख्य तौर पर हार्ट डिजीज, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज, रियूमेटिक हार्ट डिजीज आदि को शामिल किया जाता है। भारत में मुख्य तौर पर हाइपरटेंशन, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी द्वारा CVDs का इलाज किया जाता है। हालांकि अगर विशेषज्ञों की माने तो तंबाकू, अस्वास्थ्यकारी भोजन, शारीरिक शिथिलता को नियंत्रित कर CVDs के कारण होने वाली मौतों को 80% तक कम किया जा सकता है। बीते दिनों शोधकर्ताओं ने जीन एडिटिंग में बेहतर परिशुद्धता के लिए एक प्रोटीन का पता लगाया है। नया प्रोटीन स्टेम सेल में सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन को ठीक करने में सक्षम है। यह खोज दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी यानी IGIB के शोधकर्ताओं ने की है। इस प्रोटीन की प्राप्ति बैक्टीरिया के एक अलग प्रजाति से की गई है। यह अधिक परिशुद्धता के साथ DNA की एडिटिंग कर सकता है। DNA में रोगजनक म्यूटेशंस की एडिटिंग करने के लिए वर्तमान में आमतौर पर CRISPR-Cas9 तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि Cas9 आणविक कैंची की तरह काम करने वाला एक प्रोटीन होता है। यह आणविक कैंची रोगजनक म्यूटेशंस को ठीक करने के लिए DNA को निश्चित स्थान से काटकर उसकी जगह पर बाहरी DNA को लगा देती है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स बैक्टीरिया यानी SP-Cas9 से प्राप्त आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला Cas9 प्रोटीन DNA में इच्छित जगह पर बाइंडिंग करने में भी सक्षम है। शोधकर्ताओं ने ऐसे नए Cas9 प्रोटीन की खोज की है जो DNA को बांधे रखने और काटने में सक्षम है। इसे फ्रांसिस सेलोना वेसिडा नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है।
डीएनए और कैस9 प्रोटीन के बीच परफेक्ट मैच होने के बाद ही प्रोटीन को नवीन डीएनए के साथ जोड़ा जा सकता है। इस कारण डीएनए की गैर लक्षित जगहों पर प्रोटीन के बंधन की संभावना कम हो जाती है, लेकिन प्रोटीन और डीएनए के बीच तीन विसंगतियां होने के बाद भी एसपी कैस9 प्रोटीन डीएनए को बांधने और अलग करने में सक्षम है। बीते दिनों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रीन क्रैकर्स यानी हरित पटाखों को लॉन्च किया। इन पटाखों के इस्तेमाल से दशहरा और दीपावली के मौके पर आतिशबाजी की वजह से होने वाले पार्टिकुलेट मैटर जनित प्रदूषण की मात्रा में 30% तक की कमी आएगी। गौरतलब है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हरित पटाखों से इतर बेचे जाने, इस्तेमाल होने और बनाए जाने वाले पटाखों पर रोक लगा दी थी। इसी मद्देनजर सरकार ने इस बार तुलनात्मक रूप से सस्ते और कम प्रदूषणकारी हरित पटाखों को लॉन्च किया है। इन पटाखों को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा विकसित किया गया है। इन पटाखों की खासियत यह है कि इनमें बेरियम नाइट्रेट की मात्रा कम है और पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये पटाखे कम प्रदूषण पैदा करते हैं। पटाखों में मरकरी, आर्सेनिक और बेरियम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने इन पटाखों के थोक विनिर्माण के लिए CSIR प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी थी, जिन्हें पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो द्वारा स्वीकृति दी गई थी। इन पटाखों पर एक विशेष QR कोड होगा, जिसकी मदद से लोग पटाखों में इस्तेमाल किए गए तत्वों की जानकारी और हरित वैधता की जाँच कर सकेंगे। CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसंधान और विकास संगठन है, जो अपनी कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट नॉलेज बेस के लिए जाना जाता है। पिछले साल CSIR ने सेफ वाटर रिलीजर यानी श्वास, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम यानी सफल और सेफ थर्माइट यानी स्टार नाम के इको फ्रेंडली पटाखे विकसित किए थे। बीते दिनों शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने असम में बांस की दो प्रजातियों के जीवाश्म की खोज की है। नए शोध के मुताबिक एशियाई बांस का विस्तार भारत से एशिया के दूसरे हिस्सों में हुआ था। बांस की इन प्रजातियों का नाम बैम्बू सिकलमस तिरापेंसिस और बी माकुमेंसिस है। इन जीवाश्मों का यह नाम असम के माकुम कोयला क्षेत्र के तिरप खदानों में पाए जाने के कारण रखा गया है। इनका संबंध ओलिगोसेन काल से है। इनका विकास भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में लगभग 25 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। शोधकर्ताओं की टीम ने दो नई प्रजातियों बैम्बूसियम डेओमेरेंस और बी अरुणाचल लेंस से संबंध रखने वाले बांस के पत्तों के छाप की भी खोज की। इनकी खोज अरुणाचल प्रदेश के डोईमारा क्षेत्र में की गई है। आपको बता दें कि वर्तमान में बांस की सबसे ज्यादा विविधता चीन के यूनान प्रांत में पाई जाती है। वहां पाए जाने वाले बांस का सबसे पुराना जीवाश्म भी 20 मिलियन वर्ष से कम पुराना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एशियाई बांसों का विकास भारत में होने के बाद उनका विस्तार अन्य स्थानों में हुआ था। यूरोपीय बांस के जीवाश्म लगभग 50 मिलियन वर्ष पुराने हैं। बांस का विकास 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच और समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई तक विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में हो सकता है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने केंद्र की अडॉप्ट अ हेरिटेज योजना में शामिल होने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने एक निजी फर्म रेसबर्ट टेक्नोलॉजीज ग्रुप के साथ मिलकर गोल गुंबद को अडॉप्ट किया है। इसके लिए रेसबर्ट टेक्नोलॉजीज ग्रुप ने पर्यटन मंत्रालय और दिल्ली पुरातत्व विभाग के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर को पहले ही इस योजना के तहत अडॉप्ट किया जा चुका है। यह फर्म गोल गुंबद की अवसंरचना के विकास के लिए अपने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड का उपयोग करेगा। आपको बता दें कि अडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर, अपनी पहचान योजना संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस योजना को 2017 में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र सहित निजी कंपनियों और लोगों को पूरे भारत में कुछ चुनिंदा स्मारकों व धरोहरों को एडॉप्ट करने के लिए आमंत्रित करती है। इन धरोहरों को पर्यटकों की संख्या और दृश्यता के आधार पर चुना जाता है। जिन धरोहर स्थलों को किसी निजी या सार्वजनिक कंपनी द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, उन्हें शुरुआती 5 सालों तक मॉन्यूमेंट मित्र के रूप में जाना जाता है। इस हफ्ते नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है। भौतिकी, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र में नवीन खोजों या आविष्कारों और अवधारणाओं के विकास के लिए हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है।
इस वर्ष का चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से यूएसए के वैज्ञानिक विलियम जी कैलिन, ग्रेग एल सिमेंजा और ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर रेडक्लिफ को दिया जाएगा। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार कोशिकाओं में जीवन और ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में अहम खोज के लिए दिया जाएगा। इस खोज ने हमें यह समझने का आधार दिया कि ऑक्सीजन का स्तर सेलुलर मेटाबॉलिज्म और शारीरिक क्रियाओं पर कैसे असर डालता है। यह खोज एनीमिया, कैंसर और कई अन्य बीमारियों के इलाज में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। वहीं इस साल कैनेडाई मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक जेम्स पीबल्स और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक मिशेल मेयर व डीडियर क्यूलोज को संयुक्त रूप से भौतिकी के नोबल के लिए चुना गया है। जेम्स पीबल्स को ब्रह्मांड के विकास क्रम और संरचना की नई समझ के विकास, जबकि अन्य दो को सौर मंडल के बाहर सौर सदृश तारे की परिक्रमा करने वाले उपग्रह की पहली खोज के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस साल रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार यूएसए के जॉन गुडेनफ, ब्रिटेन के एम स्टैनली विटिंगहम और जापान के अकिरा योशिनो को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। जॉन गुडेनफ यह पुरस्कार प्राप्त करते ही नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज नोबेल विजेता बन जाएंगे। इन वैज्ञानिकों को लिथियम आयन बैटरियों के विकास के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। इन बैटरियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बड़े बदलाव किए हैं। ये बैटरियां सौर और पवन शक्ति से ऊर्जा निर्माण और उनका संचय करने में सक्षम हैं, लिहाजा यह दुनिया को जीवाश्म ईंधन मुक्त समाज की दिशा में अहम योगदान है। आपको यह भी बता दें कि वर्ष 2018 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार पोलैंड की लेखक ओल्गा टोकार्चुक, जबकि 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रियन लेखक पीटर हैंड को दिया जाएगा। 8वें अंतर्राष्ट्रीय शेफ कॉन्फ्रेंस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने FSSAI के ट्रांसफैट फ्री लोगो को लॉन्च किया। यह लोगो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के ईट राइट इंडिया अभियान को गति प्रदान करेगा, साथ ही ट्रांस फैट्स मुक्त भारत के लक्ष्य को पाने में सहायक होगा। अब ऐसी खाद्य निर्माता कंपनियां जो ट्रांस फैट मुक्त तेल का उपयोग करती हैं और 100 ग्राम खाद्य में 0.2 ग्राम से ज़्यादा औद्योगिक ट्रांस फैट का उपयोग नहीं करती, अपने खाद्य उत्पादों पर ट्रांस फैट मुक्त का लोगो दर्शा सकेंगी। इस लोगो को खाद्य सुरक्षा और मानक विज्ञापन और दावे विनियम 2018 के अनुसार दर्शाया जा सकेगा। हालांकि इनको दर्शाना अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगा। आपको बता दें कि औद्योगिक ट्रांस फैट्स भोजन को अधिक ठोस बनाने और उनकी जीवन अवधि को बढ़ाने के लिए तरल वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को मिलाकर बनाए जाते हैं। ट्रांस फैट्स आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल या वसा नकली मक्खन में बड़े स्तर पर मौजूद होते हैं। भारत में जन स्वास्थ्य को सुधारने और बीमारियों को रोकने के लिए 2018 में FSSAI द्वारा ईट राइट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत हुई थी। FSSAI देश में खाद्य पदार्थों के लिए वैज्ञानिक मानक तय करने के साथ सुरक्षित खाद्य की उपलब्धता के लिए उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात का विनियमन करता है। FSSAI द्वारा निर्धारित खाद्य सुरक्षा और मानक विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का मकसद खाद्य उत्पादों के निष्पक्ष दावे और विज्ञापन करने और उनके लिए खाद्य व्यापार को जवाबदेह बनाना है। बीते दिनों अटल इनोवेशन मिशन यानी एम, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट इंडिया प्रोग्राम यानी UNDP इंडिया ने साथ मिलकर यूथ कोलैब को भारत में लॉन्च किया। इस मौके पर इनके बीच लेटर ऑफ इंटेंट पर भी हस्ताक्षर किए गए। यूथ कोलैब को लॉन्च करने का मकसद युवाओं में सामाजिक उद्यमिता और नवाचार को गति प्रदान करना है। इसके जरिए युवा उद्यमियों और इनोवेटर्स को सरकारों, मेंटर्स, इनक्यूबेटर्स और इन्वेस्टर्स से जुड़ने का मौका मिलेगा। यूथ कोलैब के पहले चरण का फोकस SDG 5 यानी लैंगिक समानता, SDG 6 यानी साफ जल व स्वच्छता, SDG 7 यानी वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, SDG 8 समुचित कार्य और आर्थिक वृद्धि, SDG 12 यानी सतत उपभोग और उत्पादन और SDG 13 यानी जलवायु कार्य पर होगा। ये लैब्स राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक नवाचार में चुनौतियों का पता लगाएंगी। यूथ को लैब का गठन 2017 में UNDP और सिटी फाउंडेशन ने साथ मिलकर किया था। आपको बता दें कि SDGs को 2015 में UNDP द्वारा 2030 तक वैश्विक स्तर पर गरीबी को खत्म करने,
पृथ्वी की सुरक्षा और सभी लोगों की शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया था। इन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है। इनकी कुल संख्या 17 है। वहीं अटल इनोवेशन मिशन देश में उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का एक बड़ा प्रयास है। अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, मेंटर इंडिया कैंपेन, अटल कम्युनिटी सेंटर और एराइज अटल इनोवेशन मिशन की प्रमुख 6 पहले हैं। बीते दिनों सरकार ने देश में पहली बार राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण करवाया। सर्वे में मुख्य तौर पर बच्चों में निम्न पोषण और खुराक पर चिंता जताई गई है। सर्वे के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में बच्चों में स्तनपान का स्तर काफी नीचे है। इसके अलावा अधिक संपन्नता और बदलती जीवन शैली के कारण शहरी बच्चों में मोटापे का उच्च स्तर है। आंकड़ों की माने तो देश में अभी 12 से 15 माह तक की आयु के 83% बच्चे स्तनपान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इस आयु के 85% बच्चे स्तनपान करते हैं, जबकि शहरों में यह अनुपात केवल 76% ही है। शहरों में अधिक संपन्न घर होने के बावजूद बच्चों में स्तनपान का स्तर काफी कम है, क्योंकि माताओं को काम करने के लिए आमतौर पर लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिस वजह से वे बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती। इन कारणों से यह भी देखा गया है कि शहरों में 37% के मुकाबले 44% ग्रामीण बच्चे निरंतर रूप से आहार लेते हैं। हालांकि शहरों में रहने वाले बच्चे ग्रामीण बच्चों के मुकाबले ज्यादा विविध आहार लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सफलता की वजह से ग्रामीण बच्चों और किशोरों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कम आयरन अल्पता पाई जाती है। शहरी क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से अधिक स्थानबद्ध जीवन शैली के कारण बच्चों में विटामिन डी निम्न स्तर पर पाया जाता है। दूसरी तरफ ग्रामीण बच्चों में जिंक की कमी के कारण डायरिया, वृद्धि रुकावट, भूख की कमी और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता की शिकायत आमतौर पर पाई जाती है। अध्ययन के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 27% के मुकाबले 37% ग्रामीण बच्चे स्टंटिंग और शहरों में 26% के मुकाबले 36% ग्रामीण बच्चे अंडरवेट का शिकार हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी व अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। भारतीय सेना और मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास पुणे के ऑन मिलिट्री स्टेशन में 7 से 20 अक्टूबर के बीच किया जा रहा है। यह अपनी तरह का 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। धीवेही भाषा में एक्यूवेरिन का अर्थ मित्र होता है। 14 दिनों का यह अभ्यास बारी बारी से भारत और मालदीव में आयोजित किया जाता है। इसका मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच परस्पर सक्रियता बढ़ाना और सेमी अर्बन वातावरण में उग्रवाद रोधी और आतंकवाद निरोधी गतिविधियों को अंजाम देना है। बीते दिनों पर्यटन मंत्रालय ने ऑडियो गाइड सुविधा ऐप ऑडियो ऑडिगोज की शुरुआत की। यह ऐप प्रतिष्ठित स्थलों सहित भारत के 12 स्थानों के लिए सुविधा प्रदान करेगा। पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री योगेंद्र त्रिपाठी के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। इसी बीच पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए दिल्ली सरकार और रेस बर्ड टेक्नोलॉजी के बीच एक MOU का भी आदान प्रदान हुआ। आपको बता दें कि यह ऐप ऑडियो और वॉइस ओवर सपोर्ट करने के साथ साथ भारत सरकार द्वारा सत्यापित सामग्री पेश करता है। इसकी मदद से पर्यटकों को भारतीय संस्कृति एवं विरासत की ऐतिहासिक यात्रा करने में सहायता मिलेगी। बीते दिनों राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र यानी NHSRC का नाम बदलकर उसे प्राथमिकता वाले चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी नीति के लिए WHO सहयोग केंद्र करने का फैसला लिया गया। यह घोषणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से किया। आपको बता दें कि NHSRC के स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी प्रखंड को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नई प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसमें चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए मसौदा नीतियां तैयार करना, स्वास्थ्य उत्पाद नवोन्मेष का मूल्यांकन करना और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का आकलन करना जैसे कार्य प्रमुख हैं। बीते दिनों केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद्र गहलोत ने बुजुर्ग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर
वॉकथन को हरी झंडी दिखाई। इसका आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान के द्वारा दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के संघ के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस बैंड का प्रदर्शन, वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम तथा योग और फिटनेस आदि को भी शामिल किया गया। आपको यह भी बताते चलें कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए वर्ष 2017 से राष्ट्रीय वयोश्री योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत वृद्ध व्यक्तियों को फिजिकल एड, व्हीलचेयर, हेयरिंग एड और चश्मा आदि उपकरण प्रदान किए जाते हैं। भारत मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास नो मेडिक एलिफेंट 14 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन बहलोक हिमाचल प्रदेश में 5 से 18 अक्टूबर के बीच किया जा रहा है। मंगोलियाई सेना का प्रतिनिधित्व एलीट 084 एयरबॉर्न स्पेशल टास्क बटालियन के अधिकारी एवं जवान करेंगे, जबकि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स बटालियन की एक टुकड़ी करेगी। इस युद्ध अभ्यास का मकसद उग्रवाद रोधी और आतंक रोधी अभियानों के लिए सैनिकों को प्रशिक्षण देना है। साथ ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और अनुभवों को साझा करना भी इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। बीते दिनों गोवा में गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल ने किया। इस सम्मेलन का आयोजन नेवल वॉर कॉलेज ने किया। इसका मकसद समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर दुनिया आदि के क्षेत्र में उपस्थित चुनौतियों को अवसर में बदलना है। इस सम्मेलन की थीम कॉमन मैरीटाइम प्रायोरिटीज इन IOR एंड नीड फॉर रीजनल मैरीटाइम स्ट्रेटजी रही। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा नेवल वॉर कॉलेज जर्नल का 31वां संस्करण भी जारी किया गया। असम सरकार द्वारा राज्य के चाय बागानों के अस्पतालों को मुफ्त में दवाइयां प्रदान करने की योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत लगभग 651 अस्पतालों को 142 प्रकार की दवाइयां, 47 सर्जिकल उपकरण, 45 कंज्यूमेबल्स आदि मुफ्त में उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस योजना को लागू करने में हर साल लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। आपको यह भी बता दें कि असम में लगभग 800 रजिस्टर्ड चाय बागान हैं। यहां काम करने वाले कामगारों को 1860 के बाद के वर्षों में अंग्रेजों द्वारा ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से लाया गया था। केरल के स्थानीय निवासी विष्णु नंदन आर्कटिक महासागर के जलवायु अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के समूह का हिस्सा बन गए। वे दुनिया भर के 300 वैज्ञानिकों के समूह वाले दल में एकमात्र भारतीय हैं। इस अभियान का नाम मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट यानी मोजेक है। इसका मकसद शोधकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और मौसम अनुमानों को बेहतर करने में सहायता प्रदान करना है। आपको बता दें कि यह अभियान अल्फ्रेड वेगनर संस्थान जर्मनी के द्वारा संचालित किया जा रहा है और अब तक का सबसे बड़ा आर्कटिक अभियान है। कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी CEPC के द्वारा वाराणसी में 38वें इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। यह वाराणसी में होने वाला 15वां आयोजन है। इसका आयोजन संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी ग्राउंड में 11 से 14 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस आयोजन का मकसद भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और हस्त निर्मित कालीनों के व्यापार को बढ़ावा देना है। यह अंतर्राष्ट्रीय कालीन खरीदारों, आर्किटेक्ट्स, भारतीय कालीन निर्माताओं और निर्यातकों आदि को मुलाकात करने एवं कारोबारी संबंध स्थापित करने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। यह एक्सपो वर्ष में 2 बार वाराणसी और दिल्ली में आयोजित किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 वर्षों में राष्ट्रपति ने 20 मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया है। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दोषियों के द्वारा दया याचिका दायर करने के बाद राष्ट्रपति के पास उनकी सजा को कम करने या माफ करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति यह निर्णय गृह मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर करता है। आपको बताते चलें कि हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह के मृत्युदंड को माफ करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सिख आतंकवाद में शामिल 8 दोषियों के आजीवन कारावास की सजा को भी माफ करने का निर्णय लिया गया है। बीते दिनों खगोल शास्त्रियों के एक समूह ने नए अध्ययन के द्वारा शनि ग्रह के
20 नए उपग्रहों का पता लगाया। अब इसके कुल उपग्रहों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। इससे पहले 69 उपग्रहों के साथ सबसे ज्यादा उपग्रहों के मामले में बृहस्पति पहले स्थान पर काबिज था। यह अध्ययन अमेरिका स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के खगोलशास्त्रियों ने किया है। आपको बता दें कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रह गैनीमेड का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के द्वारा भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। यह क्लिनिक घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और उसका निपटान करने में सक्षम होगी। इस व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कचरे को डोर टू डोर इकट्ठा किया जाएगा, साथ ही इन कचरों को एक निश्चित शुल्क के बदले क्लिनिक में भी जमा किया जा सकता है। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसकी सफलता के बाद देश के अन्य स्थानों पर इसकी स्थापना की जाएगी। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।